रूका जी के हक में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और साथ ही बहुत बहुत आपका आभार। आज हम कोई राजव्यवस्था की कड़ी में वापस जुड़ रहे हैं और आज हमारा वॉल्यूम है 17 वॉल्यूम है जो बेसिकली राष्ट्रपति का ही पार्ट चल रहा है। राष्ट्रपति के पार्ट आगे ए बी सी डी, ये डी पार्ट है। राष्ट्रपति वाला कौन सा पार्ट है? डी, जिसका विषय है महाभियोग। कौन सा? महाभियोग। आपने देखा हो तो कल का जो विषय था हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन, आज का जो विषय है वो महाभियोग एवं राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। महाभियोग एवं राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, टॉपिक का नाम है महाभियोग और राष्ट्रपति की शक्तियां। तो दो टॉपिक है इसमें, एक तो महाभियोग है और एक राष्ट्रपति की क्या है, शक्ति। अब महाभियोग और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में दिया। राष्ट्रपति की शक्तियां भी बड़ा टॉपिक होता है। एक तो राष्ट्रपति की प्रमुख शक्ति होती है, प्रमुख शक्तियों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे पार्ट ई में, पार्ट ई। और एक होती है सामान्य शक्तियां, जो अनुसंगी शक्तियां जो भी बोलते हैं, तो वो एक शक्तियां, दो पार्ट करेंगे। एक तो मतलब मुख्य वाली, एक अन्य वाली, तो दोनों पार्ट हम देख रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो महाभियोग और राष्ट्रपति की शक्तियां है, ठीक है। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपन आगे बढ़े। देखिए, हाँ देखिए दोस्तों, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, टॉपिक का नाम है महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। महाभियोग इम्पीचमेंट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में प्रावधानित है। और जो मैं 61, आपने देखा हो तो कल का परसों का टॉपिक था हमारा, वो टॉपिक था संविधानिक प्रावधान। तो एक तो अनुच्छेद था 56, अनुच्छेद 56 में हमने दिया कि अनुच्छेद 56 का में प्रावधान है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो उसमें बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष होता है, चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है और या उसकी मृत्यु हो सकती है या फिर उसको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो 56 में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो दी है वो अनुच्छेद कौन से में दी है? 61। तो पहला प्रश्न हो गया, भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में दी है। अब आप देखते हैं तो ये अमेरिका से हमने लिया है। कहाँ से लिया है? महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। अब देखिए, अपने कल का टॉपिक राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से। और उसके आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को सबसे पहले कहाँ पर अपनाया गया? कनाडा में। और अब बात आ रही है कि महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया? तो अमेरिका से। यह प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। अर्ध न्यायिक मैंने क्या बोला कि निर्वाचन संबंधी विवाद तो सर्वोच्च न्यायालय में जाते, तो वो तो पूर्ण प्रक्रिया विवाद हो गए, उसका फाइनलाइज कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन यहाँ पे विवाद सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पर महाभियोग का जो निर्णय कौन करेगी? संसद करेगी। तो इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया तो बोलते हैं। कौन सी प्रक्रिया? अर्ध न्यायिक। RS 2013 में यह भी क्वेश्चन पूछा कि महाभियोग की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होती है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तीसरी बात है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संवैधानिक उल्लंघन पर लाया जाता है। आपको पता हो तो हमने आर्टिकल 53 पढ़ा, उसमें क्या लिखा था? समस्त कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति उन शक्तियों का इस्तेमाल अपने अधीनस्थों के माध्यम से संवैधानिक नियमों के अनुकूल करेगा, करवाएगा। तो संविधान का उसको हेड, मतलब संविधान पे हेड बनाया है कि संविधान की तेरी जिम्मेदारी है, तो संवैधानिक उल्लंघन अगर राष्ट्रपति करता है तो उस पर महाभियोग लाया जाता है। अगर महाभियोग कैसे लाया जाता है? राष्ट्रपति आपको पता है किस का अंग है? तो संसद का अंग है, विधायिका। सब विधायिका को क्या कहते हैं? संसद। संसद में कितने अंग होते हैं? 3, एक होता है राष्ट्रपति, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा उसके नीचे हो गई, ऊपर कौन हो गया? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को जो महाभियोग लाया जाएगा वो संसद में ही लाया जाएगा, और संसद के 2 अंगों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो महाभियोग संवैधानिक उल्लंघन पर किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जो सदन लाता है वो 14 दिन पहले उसकी सूचना
सूचना देगा और जिस सदन के जितने सदस्य हैं ना, जो सदन ला रहा है उसके जितने सदस्य हैं उसके 1/4 सदस्य हैं, 14 दिन पूर्व इसको 14 दिन पूर्व महाभियोग का प्रस्ताव लाएंगे, 14 दिन पूर्व सूचना देकर के महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। कितने सदस्य? 1/4। कितने दिन पूर्व सूचना? 14 दिन पूर्व सूचना। किस सदन में? तो किसी भी सदन में, तो किसी भी सदन में 1/4 सदस्य 14 दिन की पूर्व सूचना पर महाभियोग का प्रस्ताव लाए। बोलो क्लियर है? उसके बाद वो महाभियोग का प्रस्ताव लाए 14 दिन के बाद जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है वह सदन उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा। और जब बहुमत से 2/3 बहुमत, 2/3 मतलब आधे से अधिक कुल सदस्यों का आधे से अधिक और 2/3 मेजोरिटी, कितनी मेजोरिटी? 2/3 मेजोरिटी, यानी 2/3 मेजोरिटी उसको पास करेगी और फिर वो पास कर देगा एक सदन, तो राष्ट्रपति को एक बार मौका दिया जाएगा अपना पक्ष रखने का। तो राष्ट्रपति को अपने पक्ष रखने का क्या दिया जाएगा? मौका। राष्ट्रपति पक्ष रखता है, एक सदन पास कर देता है, फिर दूसरे सदन में जाता है तो दूसरा सदन आश्वस्त हो जाता है कि इसमें राष्ट्रपति की गलती है, तो राष्ट्र फिर द्वितीय सदन में उसको कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से मतलब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगा। कौन से बहुमत से? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगा। इस प्रकार से यह प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। वापस बोल रहा हूं, महाभियोग की प्रक्रिया बेसिकली अनुच्छेद 61 में है। कहां से हमने ली है? अमेरिका से ली है। कौन सी प्रक्रिया है? तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ये किस उल्लंघन पर लाया जाता? तो संवैधानिक उल्लंघन पर। कौन से सदन में? तो किसी भी सदन में ला सकते हैं। जिस सदन में लाया जाता है कितने दिन पूर्व की सूचना देनी पड़ती है? 14 दिन। कितने सदस्य सूचना देंगे? तो 1/4। और फिर संबंधित सदन इसको 2/3 बहुमत से क्या करेगा? पास। फिर राष्ट्रपति को अपनी सफाई प्रस्तुत करनी होगी और फिर द्वितीय सदन भी उसको 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देगा, तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। इस प्रकार से आप देखते हैं तो ये राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया होती है। तो ये दोस्तों पूरा टॉपिक हुआ राष्ट्रपति का महाभियोग। अब एक टॉपिक का हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। देखो राष्ट्रपति की अनेकों शक्तियां। पहली बात तो महत्वपूर्ण शक्तियां तो आपको पता है, ऊपर ऊपर हमारे देश में संविधान है। ऊपर ऊपर देश में कौन है? संविधान। संविधान के बाद जिम्मेदारी किसको दी गई? राष्ट्रपति को। बाद में राष्ट्रपति के नीचे 3 पार्ट हो गए, विधायिका, कार्यपालिका और कौन सी? न्यायपालिका। तो विधायी शक्ति भी है उसे, कार्यपालक शक्ति भी है उसे और न्यायिक शक्ति भी उसे प्राप्त है। विधायी, कार्यपालक और कौन सी? न्यायिक शक्ति, तीनों उसको प्राप्त है, तीनों प्राप्त है। इसके अलावा अनेक शक्तियां उसको प्राप्त है जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए पहला है वो सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो इसके माध्यम से मैंने बहुत अच्छे ढंग से इसको बताया कि आप सारी चीजें देख सकते हो। सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। देखिए सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नीचे फिर रक्षा मंत्री होता है। रक्षा मंत्री के नीचे आजकल एक नया पद डाल दिया CDS, कौन सा? CDS। और बाद में तीनों सेना प्रमुख होते हैं, जनरल। जनरल किसका होता है? थल सेना का। और एडमिरल किसका होता है? जल सेना का। और एयर चीफ मार्शल किसका होता है? वायुसेना। तो हमारी सेनाएं कितनी है? 3। ध्यान दीजिएगा हमारी सेनाएं कितनी है? 3। ध्यान दीजिएगा सेनाएं कितनी है? 3। अब 3 सेनाओं में नंबर 1 सेना आपकी थल सेना, जिसका हेड कौन है? जनरल। बाद में कौन सी? वायुसेना। वायुसेना का हेड कौन है? एयर चीफ मार्शल। बाद में कौन सी? जल सेना। जल सेना का हेड कौन है? एडमिरल। इन तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करने का कारण, कोऑर्डिनेट करने वाला आजकल बड़ा अधिकारी कौन हो गया? CDS। CDS। अब फिर ये किसके अंडर में आएंगे? तो किसके अंडर में आएंगे? तो ये रक्षा मंत्री के अंडर में। किसके? रक्षा। और फिर सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? तो राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर है। ये युद्ध की घोषणा करता है, युद्ध समाप्ति की भी क्या करता है? घोषणा करता है। तो इसको राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति भी बोल सकते हैं। कौन सी? राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। बोलो राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति में क्या आ गया? वो सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, युद्ध शुरुआत, युद्ध की समाप्ति आदि की क्या करता है? घोषणा करता है। और सैनिकों के दंड को भी क्या करता है? क्षमा करता है। सैनिकों के दंड को भी क्षमा करता है। तो इसको ओवरऑल रूप से आप क्या कह सकते हैं? राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। मैं फिर बोल रहा हूँ, सैन्य शक्तियों में सेना का सर्वोच्च कमांडर है, युद्ध शुरुआत और समाप्ति की क्या करेगा? घोषणा। और सेना का जो दंड दिया जाता है, सैनिकों को जो दंड दिया जाता है कोर्ट मार्शल वगैरह, उसको अंतिम रूप से क्षमा भी कर सकता है। तो ये सैन्य शक्तियां होगी। और बाकी मैंने आपकी सेना का ढांचा भी बता दिया। अगर कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक प्रमुख, कूटनीति का प्रमुख मतलब विदेशों में
विदेशों में जो विदेशों के लिए हमारी विदेश नीति बनती है, विदेशों में हमारे वैदेशिक संबंध होते हैं, विदेशों में राजदूतों की और इनकी उच्चायुक्तों की नियुक्तियां होती हैं, तो ये सारी काम राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। इन शक्तियों को कूटनीतिक शक्ति बोलते हैं। कौन सी शक्ति बोलते हैं? कूटनीतिक शक्ति बोलते हैं। बोलो, तो मैंने बोला विदेशों में विदेश नीति, विदेशों में के संबंध और विदेशों में जो नियुक्तियां वो राष्ट्रपति के नाम से होती है। इन शक्तियों को कौन सी शक्ति बोलते हैं? तो कूटनीतिक शक्ति बोलते हैं। तो वो हमारे देश का कूटनीतिक प्रमुख भी है, और इसीलिए इसको मैंने दिखाया कि पूरे पूरे इसमें कौन हो गया राष्ट्रपति, बाद में कैबिनेट में कौन हो गया विदेश मंत्री, और बाद में नीचे कौन हो गया राजनयिक, समझ गए? तो करने का मतलब विदेश मंत्री राष्ट्रपति के बिहाफ पर ही क्या करता है, काम करता है। इसलिए एक बार सेकंड ग्रेड में भी सुनाया कि विदेश नीति की समीक्षा कौन करता है, तो विदेश नीति की समीक्षा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। विदेश नीति की समीक्षा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो मैंने सारा ढांचा दोस्तों दिखाया। अगर विशेष क्षेत्रों का संरक्षण, विशेष क्षेत्रों का संरक्षण का मतलब आप सुन लीजिए, ये भी बात, आप विशेष क्षेत्रों का मतलब है जो आदिवासी क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, उन सब की जिम्मेदारी राष्ट्रपति को दी है, और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में उन राज्यों में कौन काम करता है? तो राज्यपाल। ये स्वायत्त रूप से काम करते हैं, ये विशेष पावर है। आपने देखा हो तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 371 ए बी सी डी, उसमें प्रावधान है विशेष क्षेत्रों के लिए। और एक आप देखते हो तो आपका जनजाति क्षेत्र आर्टिकल भाग कौन सा 10 और आर्टिकल कौन सा 244, उसमें तो राष्ट्रपति को विशेष क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में भी अधिकार है। अब आया राज्यों का संरक्षक होता है, राज्यों का संरक्षक कैसे, राज्य के संरक्षक कौन हो गए? राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की क्या की जाती है? नियुक्ति। और राज्यपाल उसके प्रसाद पर्यंत ही पद पर क्या करते हैं? काम करते हैं। और बीच में इनके कौन सा मंत्रालय आता है? गृह मंत्रालय। कौन सा? गृह मंत्रालय। जैसे राष्ट्रपति के नीचे कौन हो गया? गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय के नीचे बात कौन हो गया? राज्यपाल। तो ये गृह मंत्री राज्यों का गृह मंत्री, मतलब गृह मतलब होम मतलब राज्यों में काम संभालता है। तो राज्यों में राज्यपाल वगैरह ये सब अंडर में आएंगे। तो इसका ओवरऑल अंडर किसके है? तो राष्ट्रपति के है। अब राष्ट्रपति की राज्यों के बारे में शक्ति देखिए, कोई भी नए राज्य का निर्माण होता है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी जरूरी है। नए राज्यों का निर्माण होता है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी क्या है? आवश्यक। इसके अलावा राज्यों में व्यवस्था संवैधानिक नियमों के अनुकूल नहीं चलती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को शिकायत भेजता है या प्रस्ताव भेजता है कि साहब यहाँ पे आपातकाल लगा दीजिए, तो वो भी कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति। तो ये कॉन्सेप्ट है राज्यों के बारे में, इसके बारे में राज्यों के बारे में सारी बात आ गई। अगली बात है वित्तीय प्रमुख भी है। वित्तीय प्रमुख राष्ट्रपति के बिहाफ पर वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति के बिहाफ पर वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है लोकसभा में, समझ गए क्या? ये तो बात सीधी की सीधी होगी, बजट जो वित्त का मूल ढांचा है, समझ गए? और फिर धन विधेयक जो आर्टिकल 110 में है जिसको हमने बताया, तो धन विधेयक की पूर्वानुमति राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। अब अपनी बात को कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो मतलब लोकसभा राज्यसभा पास कर देती है, बाद में राष्ट्रपति साइन करता है, और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिसमें पहले अनुमति लेनी पड़ती है। तो पहले अनुमति वाले विधेयक हो गए, नए राज्यों का गठन करना हो और धन विधेयक का निर्धारण करना हो तो उससे पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। आ गया बाद में वित्तीय मामलों में आकस्मिक निधि का मालिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। आकस्मिक निधि का मालिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। और बाद में अनुदान की मांगे लोकसभा में या संसद में प्रस्तुत कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो अनुदान की मांगे लोकसभा में कौन प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति। आकस्मिक निधि का मालिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। और आकस्मिक निधि के बाद धन विधेयक की पर पूर्वानुमति किसकी लेनी पड़ती है? तो राष्ट्रपति। और वित्त मंत्री जो बजट प्रस्तुत करता है वो किसके बिहाफ पर करता है? राष्ट्रपति। तो ये सब बातें वित्तीय पावर होगी। कौन सी पावर होगी? वित्तीय। राज्यों के पास विषय में मैंने बता दी, नए राज्यों का गठन करना हो तो राज्यपाल की राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी, और राज्यों में व्यवस्था बिगड़ जाए तो आपातकाल को कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, विशेष क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्र आदि में मतलब पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति। और उसका प्रतिनिधि कौन काम करता है? राज्यपाल। कूटनीतिक शक्तियों में मैंने बोला विदेश नीति की समीक्षा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और विदेश नीति की समीक्षा कौन करता है? राष्ट्रपति। जितने भी वैदेशिक संबंध होते हैं किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति। जितनी भी राजनयिक नियुक्तियां होती है कौन करता है? तो राष्ट्रपति।
अतः विदेश नीति की समीक्षा आदि सारा काम विदेश मंत्रालय किसके अंडर में हो गया राष्ट्र। इधर रक्षा सैनिक शक्तियां, सैनिक शक्तियों के बारे में हमने बात की, सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। और सेना में मतलब युद्ध की घोषणा, युद्ध की समाप्ति की घोषणा, कोर्ट मार्शल किए हुए सैनिकों के दंड को क्षमा आदि करना, ये सबका अधिकार भी उसको है राष्ट्रपति को। इस प्रकार से राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, समझ गए? तो राष्ट्रपति शक्तियां होगी सैन्य शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, नंबर 3 वित्तीय शक्ति, राज्यों के संबंध में शक्ति, और 5वीं आपकी जनजाति क्षेत्रों या विशेष क्षेत्रों के संबंध में शक्ति। अब हमारी कुछ शक्तियां आएंगी मुख्य, उसमें हम पढ़ेंगे। पहली शक्ति एक तो विधायी शक्ति, विधायी, एक कार्यपालिक शक्ति, और एक कुछ न्यायिक शक्ति, और एक सबसे महत्वपूर्ण है वो आपातकालीन शक्ति, समझ गए? तो इसके बारे में हम अगले वॉल्यूम में इसका डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां, राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों के बारे में हम डिस्कस, ठीक है? तो अगला वॉल्यूम हमारा पार्ट आ रहा है वो ई आएगा, ई तक आप राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करें, ठीक है? तो ये हमारा टॉपिक था दोस्तों, कंटिन्यू जुड़े रहे, आपको हर चीज का नॉलेज मिलेगा, हर चीज के बारे में जानकारी मिलेगी, और आप इसको शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका।